जी मेरा टाटा एलेक्सी है मेरे पास, वे खरीदा हुआ बहुत पहले का है, 2014 में खरीदा था। तो बोनस के बाद उसका एवरेज प्राइस जो है करीब 292 आता है। अभी एक बार 10,500 आ गया, फिर गिर गया, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन इसमें राय जानना चाहते कि किया क्या जाए। गावा साहब की बात, अगर हम आज संजोग से गावा साहब मिल गए, उनको बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि गावा साहब का ही कहना है ये शेयर है HDFC बैंक, ये बेचने के लिए नहीं है, देने के लिए है आगे। तो उस सिद्धांत पर सर हम चलते हैं। तो हम चाहने जाते हैं, अब हम क्या करें, एक बार 10,500 की आ गया तो अब क्या करें। ऐसे हमारे पास बहुत शेयर हैं, रिलायंस के, HDFC के और कई हैं। तो ये टाटा एलेक्सी का शेयर का सवाल लेते हैं, इसको आप किसको देना चाहते हैं? अब जैसे हमारे गावा साहब कहते हैं आगे बच्चों के लिए छोड़ दो, ग्रैंडसन को देंगे अपने? नहीं भाई, तो सन को देंगे, ग्रैंडसन को बाद में देंगे। अभी पहले सन को देंगे, फिर वो सन अपने सन को देगा, तो आपका ग्रैंडसन हो जाएगा। 2014 में मैंने लिया था 580 में इसको, फिर बोनस दे दिया था 292 हो गया, 400 शेयर है एक अकाउंट में और है मेरे। ओके, तो मैं बेचता नहीं हूँ, ऐसे रख लेता हूँ, अभी भी ऐसे रखा हूँ। तो इसमें हम जानते कि अब करें क्या, अब हम फ्री हो गए एकदम, रिटायर हो गए, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या करूँ। मैं देखता हूँ, पहले नहीं देखता। पैसे की जरूरत है क्या आपको मिश्रा जी? नहीं नहीं ना, नहीं, बस ये बात सही। गावा जी, पैसे की ज़रूरत नहीं है। टाटा एलेक्सी 400 शेयर है, दो अकाउंट में 200, करंट प्राइस 292 रुपये बैठता है इनका। नहीं, 290 और 7600 देखा जाए तो ये मल्टी बायर हो गया। आपको होल्ड करने की ताकत है, और होल्ड करने की ताकत को यूज कीजिए, अच्छे स्टॉक लीजिए, उसको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, बस अच्छा होगा। आपको पैसे की जरूरत भी नहीं तो क्या दिक्कत है। इनफैक्ट मैं एक और कहता हूं कि जिस दिन डिविडेंड मिले इसमें, उतने पैसे का और ले लीजिए, बस। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वैल्यू बढ़ेगा, तो अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसे सुनकर, बहुत अच्छा लगता है कि हैं कुछ लोग जो अच्छा मुनाफा कमाते हैं बाय एंड होल्ड कर कर। कॉन्ग्रेचुलेशन। गावा जी ने कहा कि होल्ड करिए, डिविडेंड मिले तो उससे इसी शेयर को और खरीद लीजिए। इनके पास रिलायंस भी है मिश्रा जी के पास, HDFC बैंक में। मिश्रा जी, लेकिन जब पैसा बढ़ता ही रहेगा तो करेंगे क्या इसको? आपके बच्चे भी कहेंगे पापा ने दिया तो मैं अपने बच्चों, सब लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहेंगे और ये बढ़ता रहेगा। तो मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि जी सर, वाजपेयी जी संजोग से आप मिल गए, गावा साहब मिल गए, ये दोनों लोग इसी तरह के हैं। गावा साहब की विचारधारा एक विचारधारा है एनालिस्ट की, कि प्रॉफिट बुक करो। जैसे TVS मोटर भी मेरे पास है सर, 55 रुपया की खरीद का था, जब 2020 में मैंने कुछ खरीदा तो वो आ गया करीब करीब 155 रुपए पे, 1100 शेयर है। तो हमारे पास सर ऐसे ही है, लेकिन अब गावा साहब की बात मानो तो ना बेचो, अब कुछ एनालिस्ट कहते हैं प्रॉफिट बुक करो। तो नहीं, प्रॉफिट बुक करो तो ये इसलिए हो सकता, कोई कहता हो कि बहुत बढ़ गया, चलो थोड़ा मुनाफा लेकर। मेरा वो सवाल नहीं, मेरा तो सवाल ये है कि मिश्रा जी के सन मिश्रा जी, फिर उनके ग्रैंड सन मिश्रा जी, सब एक दूसरे को शेयर पास ऑन कर देंगे और ये बढ़ता रहेगा। तो अब सर अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी। ओके, नहीं नहीं बहुत बढ़िया। और ये बात जो आपने आखिरी में कही ना, इसी को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जी, तो जी, मैंने सवाल पूछा था, वो मजाक में नहीं, वो लोडेड क्वेश्चन था। नहीं, जब तक जरूरत ना हो आप ऐसे अच्छे स्टॉक्स को मत बेचें। आपकी इतनी विनिंग ट्रेड्स हैं कि सोचिए 300 रुपए वाला स्टॉक 7600 अभी खड़ा, जबकि 10,500 से करेक्ट। इसलिए होल्ड करके रखिए, इस तरीके के जो ट्रेड्स हैं वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देते हो। मिश्रा जी, आई एम श्योर कि बहुत पैसे इन्होंने बनाए होंगे, और नंबर देखिए बता ही रहे हैं, 1100 1200 1500। मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई आपको इस तरह के अच्छे ट्रेड्स लेने के लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं अभिजीत दत्ता। बताइए दत्ता साहब। बोल रहा हूँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास सुजलॉन एनर्जी के 1450 तैयार है 33 रुपए के दाम से। अगर सर लॉन्ग टर्म के लिए सर होल्ड करना चाहते हो, अगर बात क्या है सर फ्यूचर में, बोल सकते? अरे 33 में आपने लिया, अभी चल रहा है 31-25। लॉन्ग टर्म मतलब कितने साल रुकेंगे? अभी एक मिश्रा जी आए तो 15-20 साल तक रुकेंगे, आप रुकेंगे? एक डेढ़ साल रुकेंगे। एक डेढ़ साल, ओके। गावा सर, एक डेढ़ साल वाला लॉन्ग टर्म है इसमें सुजलॉन एनर्जी में, क्या तो 90 तक तो मुझे लगता है जाना चाहिए। अब होल्ड कीजिए, अब ट्रेड है 31, यहाँ से एक तीन साल थ्री टाइम्स हो सकता है, डेढ़ साल लगे या दो साल लगे या पांच साल लगे, मुझे कहना मुश्किल है। लेकिन सुजलॉन का जब मैं चार्ट देखता हूँ तो लगता है ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ और नियर कंप्लीशन भी होने वाला है। ब्रेकआउट की जरूरत है 32-35 के जोन पर, यहाँ पर लगा है, और लगता है ये ब्रेकआउट मिलेगा। ये ब्रेकआउट मिल जाएगा तो फिर थ्री टाइम्स सोच सकते हैं आप, 100 के आसपास।
तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए, बिल्कुल समय थोड़ा बढ़ा लें दत्ता साहब, 3 साल, 1.5 साल, 2 साल कर लीजिए, तिगुना हो सकता है अगर ये बढ़िया ब्रेकआउट आ गया आपको तो। बने रहिए फिर इसमें आप लंबे समय के लिए। अगला सवाल गाजियाबाद से अनिल गिरी का। अनिल जी नमस्कार, बताइए सर। सर नमस्कार, और गाबा सर को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार, पहुंच गया गाबा जी के पास, बताइए। सर मैं आपका CNBC चैनल काफी टाइम से देख रहा हूं, और कभी कभी मेरी मिसेज से भी कुछ कहना सुनना हो जाता है कि आपको उसी टाइम मेरा एक वो आता है अपना देखने के लिए, कोई उसका भी चैनल होता है, तो मैं ये देखना पसंद करता हूँ। काफी टाइम से देख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपका चैनल, और उससे काफी हेल्प मिली है मुझे, काफी मतलब कई शेयरों में मुझे अच्छा पैसा बना है मेरा। मेरे पास एक M&M, पहले तो ये बताओ आप सब, गिरी साहब ये बताओ जी, 10:30 बजे आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं, आप ऑफिस नहीं गए आज? नहीं नहीं मैं शाम को देखता हूँ सर। अच्छा शाम को देखते हैं जी, दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता है, हमारा काम थोड़ा सा प्राइवेट जॉब है तो दिन में टाइम नहीं मिल पाता। तो शाम को आप अपनी वाइफ के जो सोप ओपेरा है, जो सीरियल आते हैं, उसमें डिस्टर्ब करते हैं जी, उसमें कभी कभी उनसे कहना सुनना हो जाता है। हाँ तो ये तो हो गई कहना सुनना, आप मतलब दिन भर आप काम करके आप शाम को आप टीवी देखेंगे, उसमें भी आवाज देखेंगे, तो आप एक काम करिए, एक टीवी और खरीद लीजिए सर। हाँ है ना, 2 TV रखिए, अलग अलग कमरे में बैठ के टीवी देखिए, झगड़ा झंझटे नहीं। ये बात भी ठीक है आपकी, चलो ऐसा ही करता हूँ सर जी। सर मेरे पास एक M&M फिनसअप है, 299 के रेट पे मैंने लिया, 200 शेयर है मेरे पास। ओके, तो अभी अचानक से ये ड्रॉप डाउन हो गया, काफी काफी टाइम से है मेरे पास, 6-7 महीने हो गए। हाँ तो अभी रिजल्ट आया था इनका, बाजार को पसंद नहीं आया, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था, इसलिए अभी गिरा है 10% कली परसेंट। सर एक है मेरा पास ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये मेरे पास है 1080 के रेट पे है, 80 शेयर है मेरे पास, 2 शेयर है, तो ठीक मैं थोड़ा वरी हूँ M&M को लेके, थोड़ा इसको और इसको बताएंगे। ओके गाबा सर, 292 की खरीद है M&M फाइनेंशियल्स, रिजल्ट अभी अच्छा नहीं आया था, परसों ही 10% गिरा है, क्या करना चाहिए M&M फाइनेंशियल्स? बता दूंगा, लेकिन ये बात है कि ये दिक्कत मेरे पास भी है, जब मुझे कुछ शो देखना पड़ता है तो वाइफ के साथ हो जाता है कुछ ना कुछ, मेरे पास 3 रूम है, तीनों रूम में टीवी है, फिर भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा रूम पसंद है, उसे भी अपना रूम पसंद है, करें क्या? ये दूसरे रूम से सॉल्व नहीं होता, प्रॉब्लम है सर ये, तो कंफर्ट जो रहता है अपने रूम में बैठने का, लेट कर देखने का, क्या करें? एनीवे ऐसा है कि M&M फाइनेंशियल वीक है, रिजल्ट तो बुरे आए हैं, लेकिन ऊपर एग्जॉशन हो चुका था, अब थोड़ा लेवल लोअर लेवल देखने को मिल सकता है, 200 रुपया भी पॉसिबल है, वहां पर सपोर्ट है, इतना कह सकता हूँ। फिलहाल लॉस है, आपका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं, अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का तो निकल जाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म में नजरिया है तो होल्ड कीजिए, ये कंपनी अच्छी है, कभी ना कभी बाउंस जरूर मारेगी, लेकिन पहले नीचे आएगी 200 के आसपास, फिर ऊपर जाएगी, बस देखें ये आपको अब तय ही आपको करना है क्या करना है, आपको नजर टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, नजरिया लंबा करिए, ऊपर अभी नहीं जाएगा लेकिन जाएगा ऊपर, ग्रुप बहुत अच्छा है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, तो अगर आपके अंदर पेशेंस है उसको आप होल्ड करिए। गबर सर एक और स्टॉक इनका, उस पर गिरा दीजिए। हाँ जी, ओलेक्ट्रा ग्रीन 1080 पे खरीदा इन्होंने, ये स्टॉक तो होल्ड करना चाहिए, ये स्टॉक स्ट्रक्चर बढ़िया है, करेक्शन आता है, करेक्शन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर एक अपू मिलता है, 1149 पर ट्रेड कर रहा है, 1000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये स्टॉक होल्ड के लायक, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक अपू मिलना चाहिए ओलेक्ट्रा ग्रीन में, तो इसको होल्ड करिए। गिरी साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे और? सर ये M&M को क्या मैं 200 के आसपास एवरेज कर सकता हूँ क्या? गावा सर 200 पे और खरीद ले, बिल्कुल करना चाहिए, 200 के आसपास एक सपोर्ट जोन है वहां पर ऐड कीजिए, वहां से एक अपू मिलना चाहिए, मैं नहीं कहता कि 200 आएगा, अगर आएगा तो वहां पर ऐड कीजिए, वो जगह अच्छी है ऐड करने की, अगर नहीं आता तो खुश रहिए, उसमें मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, दोनों दोनों साइड में फायदा, नहीं आया तो भी अच्छी बात, ऊपर जाएगा और गया तो खरीद लीजिएगा, और बहुत अच्छी बात है ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट, RS संधू जी हैं दिल्ली से, संधू साहब नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बाबा जी नमस्कार जी, मैंने रिलायंस के बारे में पूछना था, ये रिलायंस के मेरे पास 200 शेयर हैं, 1000 रुपए में मेरे को पड़े हैं, ये बहुत पॉलिथिन का इश्यू आया था ना इनका, 95.5 में आया था, उसके 100 शेयर मिले थे मेरे को, और 25 बाद में वो मर्ज हो गया रिलायंस में, 25 शेयर मिले रिलायंस के और 3 बोनस हो गए, 200 शेयर हो गए मेरे पास 1000 के, 1000 में रिलायंस के, रिलायंस के 200 शेयर आपके हो गए, भाव हो गया 1000 रुपए, हजार रुपए ओके
1000 रुपए के भाव वाले रिलायंस 200 शेयर है गावा सर। और क्या चाहिए? संधू जी बेचने की जरूरत नहीं, बने रहिए इसमें, डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा। ये रिलायंस वाली जो कॉल है ना, इस पे क्राय किसी और से लीजिएगा, जो चैनल आप देख रहे हैं उनका ओनरशिप है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। गाबा सर एनसीसी भी इनके पास 1000 शेयर 35 रुपए वाले, 35 रुपए में थोड़ा डिप मिलेगा, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, आपकी कॉस्ट इतनी कम है कि आप सेफ्टी मार्जिन आपके लिए बहुत ज्यादा है, थोड़ा डिप मिलेगा 120 पे भी आ सकता है, वहां से फिर एक बाउंस मिलना चाहिए, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे और उपमूव मिलेगा, डोंट वरी एनसीसी। तो भाई दोनों शेयर होल्ड करिए संधू जी, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, एक आपका 4 गुना हो चुका है और दूसरे में भी जबरदस्त फायदा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, होल्ड करके रखिए। आ गया भाई चंद्रशेखर जी हैदराबाद से। चंद्रशेखर जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्ते साहब, मेरे पास टाटा स्टील 2250 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 127 एंड अनदर शेयर इज एचडीएफसी लाइफ 900 शेयर्स एट द रेट ऑफ 627। Oh, it is for long-term investment. Can I keep it or dispose of it? Okay. Gawa sir, HDFC Life, 900 shares at the rate of 627 or Tata Steel, 2250 share at the rate of 127. Dono long-term ke liye Chandrasekhar ji hold karna chahate hain. Kya raay hogi inke liye? Dono hi long-term ke liye badhiya hai. Fikar nahi hona chahiye. Dips milti hai. Agar isme SIP karte rahenge to acha rahega. Bahut badhiya, dono stock badhiya hai. तो क्या डिप में और खरीद सकते हैं क्या गावा सर? डिप में और खरीदें क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा, कट हो रहा है। डिप में और खरीदें क्या? बिल्कुल खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीदिए लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, पेडिग्री भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल। ओके चंद्रशेखर जी, कीप ऑन होल्डिंग, इफ यू फाइंड एनी डिप बाय मोर, नो वरीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और सवाल लेंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में और हम आज सवालों के जवाब ले रहे हैं। गावा सर अगला सवाल है संतोष चौधरी जी का कोलकाता से। संतोष जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे ने दिया था एचडीएफसी फर्स्ट बैंक 90 रुपीज में, तो 2000 से, तो क्या करूँ सर, और इस मार्केट में मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है कि ट्रेडिंग वाला था? जी मैं ट्रेडर हूँ वैसे। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्यों? मैं बड़े अच्छा सडनली कम हो गया था ना, इसलिए। अरे तो स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है? स्टॉप लॉस लगाया। क्या आपने 90 पे लिया, मान लीजिए आप 86 रुपए पे 87 रुपए पे लगा देते स्टॉप लॉस, तो चाहे जितनी सडनली नीचे आता। खैर मैंने ऐसे न्यूज़ देखा था तो सर बढ़ेगा बढ़ेगा ये सोच के। ओहो गावा सर जी, संतोष जी ने 90 पे खरीदा और अचानक से नीचे आ गया, अब हो गया 82-69, क्या करें? इसीलिए तो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अचानक ही आता है, और स्टॉप लॉस का मतलब होता है स्टॉप द लॉस, मतलब आपका लॉस को स्टॉप करता है, वो आपको सेव करता है, वो आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है, तो लगाना बहुत जरूरी है। अब ज्यादा लॉस हो गया, द फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस, अगर वो नहीं करेंगे तो सेकंड लॉस होता है, वो थोड़ा बुरा होता है, सेकंड लॉस भी नहीं होता है तो थर्ड लॉस और उससे बुरा होता है, इसलिए स्टॉप लॉस लेना चाहिए। आई लव माई लॉसेस, ऐसा आपको ध्यान देना चाहिए। एनीवे अब भी इसमें और वीकनेस है आईडीएफसी बैंक में, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखे, हो सकता है 75 का जोन भी देखने को मिल सकता है, सहन कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए वरना निकल जाइए। ओके भाई संतोष जी, ये 75 तक भी जा सकता है, तो अगर आप होल्ड कर सकती हैं तो रखिए, अदरवाइज फिर आपको निकल जाना चाहिए अभी भी, क्योंकि यहाँ से भी 7 रुपए और नीचे जा सकता है। मैं एवरेज नहीं करूं, फिर एवरेज नहीं करूं। गावा जी एवरेज कर लें क्या? 75 नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं रिवर्स एवरेजिंग ये होता, अगर वो एचडीएफसी होता या कुछ होता तो मैं बोल देता, यहाँ पर नहीं। नहीं यहाँ पे मत करिए भाई, गावा जी मना कर रहे हैं। अच्छा अगला सवाल है विश्वजीत जी का, जो पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वजीत जी नमस्कार सर। विश्वजीत से हमारा संपर्क टूट गया है, तो मैं कुछ सवाल
सर ब्लू स्टार पे बताइए सर, गावा सर 917 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 5% ऊपर है, नतीजे बढ़िया थे, मार्जिन एक्सपेंड हुआ है, शानदार तेजी है। ये बढ़िया स्टॉक है बिल्कुल, इसमें जब भी कोई करेक्शन आते हैं ब्लू स्टार में अब्सॉर्ब हो जाती है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक बढ़िया है, ये होल्ड के लायक है और होल्ड करना भी चाहिए, डिप मिलती है तो बाइंग का मौका रहता है स्टॉक में, तो बस होल्ड, उसको होल्ड करिए। सर पिडिलाइट का शेयर खरीदेंगे क्या, 5% ऊपर है? आज तो नहीं खरीदूंगा लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन पर है, अगर अपन नजरिया लंबा है तो आज खरीद सकते हैं, ट्रेडर का नजरिया है तो मैं होल्ड करूंगा। ट्रेजर का नजरिया है तो होल्ड करेंगे। एक स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी, उन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया, स्टॉक 10% नीचे, आज भी नीचे 1% है। गवर्नर सर इसमें क्या पैटर्न बन रहा है पेट्रोनेट एलएनजी में? इसमें एक्चुअली कचरा पैटर्न कहते हैं, वो कचरा पैटर्न है, कचरा पैटर्न बहुत ओवरलैप पैटर्न है, क्लियर कट ट्रेंड है नहीं है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, जब ट्रेंड मिसिंग हो तो मजा नहीं आता, ट्रेंड जरूरी है पैसा कमाने के लिए और ये पैटर्न इसमें वो नहीं है, पूरा ओवरलैप पैटर्न है, तो इसको एक्चुअली इग्नोर करना चाहिए, हो सकता है लोअर लेवल है लेकिन 180 में एक सपोर्ट है, इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, इंट्राडे कर लो तो ठीक है वरना छोड़ देना चाहिए। हाँ इंट्राडे करो वरना छोड़ दो भाई, पैटर्न अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप करें ही करें, ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है। कब सर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 93.40 रुपये, इसका ज़रा बड़ा चार्ट दिखाई 15 दिन का, पिछले दिनों की बड़ी फॉल में भी इस स्टॉक ने 91 को होल्ड किया था, क्या बहुत मजबूत है क्या ये शेयर? स्टॉक तो बढ़िया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये मेरे ख्याल से इक्विटास 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है,